तो दोस्तों जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में, ब्लैक स्क्रीन में वीडियो में, ये वाला टिमटिमाता हुआ इफेक्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं चलो आपको ये वाला इफेक्ट जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप भी जो है किस प्रकार इजीली एलाइट मोशन में ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको सबसे पहले एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर चले जाना है। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाओगे तो नीचे में एक प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ से मीडिया पे चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिस वीडियो में ये वाला इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपका वीडियो ऐड हो जाए तो नीचे में एक प्लस का आइकन दिखेगा आपको, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर एक स्क्वायर का शेप को आपको ऐड कर लेना है। इस स्क्वायर के शेप को आप अपने वीडियो वाले स्क्रीन पर पूरी तरह से फिल कर देना है, जूम कर लेना है। इतना करने के बाद आपको कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर को ले लेना है। ब्लैक कलर ले लेने के बाद आपको यहां से आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद आपको लेफ्ट में दो आई का आइकन दिख रहा होगा, तो फर्स्ट जो आई का आइकन है उसको आपको टैप करके मार्क कर लेना है और वीडियो के अंतिम भाग पे चले जाना है और इसको पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है। तो नीचे में लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको टैप कर देना है। तो इतना करने के बाद आपका ये जो ब्लैक स्किन जो आप लोगों ने लिया था, ये वाला इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपका वीडियो सिर्फ ब्लैक दिखेगा, वीडियो तो दिखेगा नहीं। इतना हो जाने के बाद आपको जो ब्लैक वाला स्किन जो लिया था आपको उस पर एक बार आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना है और फिर से आपको ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है सिंपल स्टार फील्ड, ठीक है। इस वाले इफेक्ट का नाम है सिंपल स्टार फील्ड, तो आपको ऊपर में सर्च कर लेना है। एस आई लिख के जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास ये वाला इफेक्ट जो है दिख जाएगा सिंपल स्टार फील्ड का। उस पर आपको टैप करना है और चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो इसमें एक एनिमेशन देना है। तो इस प्लस वाला आइकन पे एक बार टैप करना है और वीडियो के अंतिम भाग पे चले जाना है और फिर से एक बार प्लस वाला आइकन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपको जो पोजीशन दिख रहा है इसको बढ़ा के 550, 650 जितना आप रखना चाहे देख लेना स्क्रीन में, जैसे अच्छा लगे उतना बढ़ा के रख लेना है। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, तो मैंने पोजीशन को 658 रख दिया हूँ। नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइज का, उस पर आपको टैप करना है, इसको बढ़ा के 300, 350 रख लेना है। तो मैंने साइज को बढ़ा के 344 रख लिया हूँ और नीचे में आपको एक स्लाइड करना है तो एक ऑप्शन मिलेगा फेदर का, तो इसको बढ़ा के आपको 6.5 या 7 तक रख सकते हो। तो मैंने फेदर को 6.8 रख लिया हूँ। इतना रख लेने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल स्टार फील्ड पर एक बार टैप करना है और फिर से आपको जो लेयर वाला जो आपको दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन, उस पर आपको टैप करना है और यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और नीचे में यहाँ स्लाइड करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लाइटन का, उस पर आपको टैप करना है। फर्स्ट में ही आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद आप देखोगे ये वाला इफेक्ट जो है आपकी वीडियो में अप्लाई हो चुका है, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये जो स्टार फील्ड का इफेक्ट जो है टिमटिमाता हुआ, ये आपकी वीडियो में अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए सेटिंग के राइट साइड में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।